अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप, जो कि बालों की है और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा। और आप ये टिप करके देखें और आजमूदा टिप है और बगैर क्या कहते हैं झिझक होती है ना, कि इंसान के अंदर एक झिझक होती है कि पता नहीं मैं यूज़ करूँ ना करूँ, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरे बाल ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टिप है, बहुत छोटी सी टिप है। तो ये टिप आप लोग करके देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मेरे बाल वैसे बहुत मतलब ख़राब हो गए थे बीच में ना, तो मैंने भी ये टिप जो की थी तो फिर मेरे बाल काफ़ी देखें अब सिल्की सिल्की हो गए। तो आपके भी बाल इसी तरह ही अच्छे हो जाएंगे। बाल तो मेरे काफ़ी अच्छे खासे लंबे हैं, तो उसके लिए भी मैं अपकमिंग वीडियोस में अपना हेयर ऑयल जो है वो लॉन्च करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे बाल लंबे हुए हैं और बहुत ही कम मतलब टाइम में मेरे जो बाल हैं वो लंबे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपना लॉन्च कर रही हूँ हेयर ऑयल और कैरेटन का एक मैं पूरा पाउडर लॉन्च कर रही हूँ, जिससे हम अपने बाल जो हैं वो सिल्की कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आ रही हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग करते हैं, आज का जो मैं टिप लेकर आई हूँ वो स्टार्ट करते हैं। और बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और जो न्यू है चैनल में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ से एक लीफ जो है वो काटूँगी एलोवेरा का, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, और उसी में से मतलब हम लोग निकालेंगे जेल। ये देखें, ये मैंने एक जेल जो है, जेल इसके अंदर होता है, देखें ये जो है वो एलोवेरा का एक लीव ले लिया है मैंने। ये दोनों साइड से हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं इसके एलोवेरा के। ये दोनों साइड से काट के सेंटर से हम लोग काटेंगे और बीच से जितना भी जेल होगा वो हम लोग निकालेंगे। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या ऐड करना है। अच्छा, ये एलोवेरा जो है ये देखें ये कैसे निकल रहा है। ये मैं बिल्कुल फ्रेश अभी आप लोगों के सामने ही काट कर आई हूँ। ये हमें साइड से दोनों जगह से, यहाँ से और यहाँ से कट करना पड़ता है। बीच में से छुरी से ना आप बीच में से पूरा सा काट लें और चम्मच से पूरा निकाल लें, निकाल के इस प्याली में डाल दें, ठीक है। अच्छा, ये आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये जो है वो है सरसों का तेल, थोड़ा सा, थोड़ी सी मिकदार में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, आधा चम्मच, छोटा सा टीस्पून होता है ना वो है ये। और साथ में इसमें हमें डालना है एक अंडा, एग, तो हम लोग वो एग डालेंगे इसमें। पर अच्छा, एग की हमें जर्दी नहीं डालनी, पीली जो जर्दी होती है वो नहीं डालनी हमें, जस्ट इसमें डालना है वो जो वाइट वाला जो होता है ना, उसकी जो वाइट वाइट जो होती है वो हमें ऐड करना, ठीक है। और बस हमें इसमें वाइट वाइट अंडे की वो डालनी है जो वाइट वाइट होती है, और इसमें ये हमें पूरा स्पून से निकाल के इसमें ये डालना है। इसको अच्छे तरीके से हमें फेंटना है, अच्छे तरीके से फेंट लें, फेंट के। और ये आपकी जो, अच्छा ये जैसे आपके सर में जैसे होती ना ये लकीरें, इनमें आप लगाएं, ये जो सारे मांग होती है यहाँ की, यहाँ ये सारे खोल खोल के बाल ऐसे ऐसे खोल के ना यहाँ पे आप पूरा हर जगह लगाएं। और आखिर में जो बचेगा ना वो आपने क्या करना है, उस बचे हुए हिस्से को ना आप पूरे अपने वो जो बालों के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें आप लगा दें, पूरे बालों में लगा दें, पर जड़ों में आपने ज़रूर लगाना है ये खोल खोल के जड़ें। और आधे घंटे के बाद, बस आधा घंटा बहुत होता है, आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, अपना सर जो है वो धो लेना है, वॉश कर लेना, जाके नहा लें। और ये आप वीक में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है ये, आजमूदा है, मैं खुद भी करती हूँ और मेरी फैमिली में भी लोग करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करूँगी, कर रही हूँ, तो खैर बहुत काफ़ी मतलब कम यूज़ करती हूँ, उसके बावजूद देखिए मेरे बाल कितने सिल्की हैं। तो बीच में मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, मैंने ये शुरू किया तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। ये बालों को लंबा करेगा, घना करेगा, सिल्की करेगा, सब कुछ करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।